अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में हमने बायोडाइवर्सिटी, उसमें इकोसिस्टम है कि हमने उसको मेंटेन किस तरह से करना है। ये जो आपको कंजर्वेशन का आप लोगों का कोर्स है, इसमें यहाँ पे आप लोगों की कुछ टेक्निक्स और कैटेगरीज बताई गई हैं अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस, और इसके अलावा जो कि आपके ओवरऑल वर्ल्ड में, पाकिस्तान में, एवरीवेयर जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। तो इंशाल्लाह इसमें हमने वो सारे डिस्कस करने हैं, इसमें वो डिटेल के साथ इसमें देखेंगे। अच्छा, इसमें आपने एक इस तरह से करना है, आप लोगों के पास बुक अवेलेबल है, आपने ये जो पेजेस आप लोगों को मैं यहाँ से पढ़ाऊँगी, आप लोग उसी का ही प्रिंट ले लीजिएगा, ठीक है। और इसको यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा कि कौन कौन से इसमें से मेन जो है वो पढ़ने हैं, और वो आप लोगों ने इसमें से देख लेने हैं। यहाँ पर ये हमारे पास मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी जिसका पार्ट 3 है, हम वो डिस्कस कर रहे हैं, और इसमें से यहाँ पे हमारे पास है चैप्टर नंबर 11, ठीक है, जिसमें हमने इकोसिस्टम्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, और वो प्रोटेक्ट किस तरह से करना है वो उसमें हम इसमें सारी डिटेल देखेंगे। हमारे पास ये जितना भी हमारे पास इकोसिस्टम है, हमने उसको किस तरह से प्रोटेक्टेड करना है, और प्रोटेक्टेड करने के लिए हमारे पास बेसिकली जो है वो ओवरऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़ को किस तरह से परफॉर्म किया जाए, ये जो हमारे पास एंथ्रोपोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो किस तरह से हमारे जो नेचुरल इकोसिस्टम्स हैं उनको डिस्टर्ब कर रही हैं, तो इसमें हमने वो देखना है। नेक्स्ट इसमें हमने ये देखना है कि हमारे पास, जैसे कि हमने ये कहा था कि हमारे जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पर परफॉर्म नहीं की जाती, जिसमें हमारे पास पार्क्स आ जाते हैं, रेफ्यूजीज़ आ जाती हैं, सेंचुरीज आ जाती हैं, वाइल्डनेस आ जा एरियाज आ जाते हैं, इसके अलावा प्रिजर्व्स आ जाते हैं, रेजरवायर्स आ जाते हैं, और इसके अलावा और भी बहुत से हैं जो कि अभी हम इस टेबल में भी डिस्कस करेंगे। और वो एरियाज जो जिनसे कि हम अपनी जो इकोसिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसको मेंटेन रखते हैं, उसको हम नाम देते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज़ का, ठीक है। ये मोस्टली जो है वो कॉमन टर्म जो है वो जेनरिक टर्म यूज़ की जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि ओवरऑल वर्ल्ड में प्रोटेक्टेड एरियाज़ कौन से हैं, तो वो आपने अलग बताने हैं। आपके पास पाकिस्तान में प्रोटेक्टेड एरियाज़ कौन से हैं, तो वो आपने अलग बताने हैं, ठीक है। ये हमारे पास है टेबल 11.1, ठीक है। ये हमारे पास है यूनाइटेड नेशन ने रिकग्नाइज किया, जो कि हमारे पास बेसिक कैटेगरीज हैं प्रोटेक्टेड एरियाज़ की। उसमें हमारे पास ये है कि कैटेगरी जो है वो 1, जो कि हमारे पास आ जाते हैं स्ट्रिक्ट नेचर जो है रेजरवायर्स, कि अगर हम इनको स्ट्रिक्टली जो है वो अलाउ करेंगे, स्ट्रिक्टली ओवरऑल जो वर्ल्ड है उसमें अनाउंस करेंगे, तो इस तरह से हम जो हमारे पास डाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बच्चे, सबको वॉइस आ रही है? यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो हमारे पास नेचर रिजर्व्स हैं, ये प्रोटेक्टेड एरियाज है, ये मैनेजली जो है वो मोस्टली साइंस के लिए जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया, और इसकी आप जो डेफिनेशन है यहाँ पे लेके, एरिया ऑफ अ लैंड और अ सी, ठीक है। इसमें सी भी आ जाता है, लैंड भी आ जाता है। इसके साथ साथ हम इसमें ये देखते हैं कि पोजेसिंग सम आउटस्टैंडिंग या रिप्रेजेंटेटिव इकोसिस्टम, ठीक है, जहाँ पे कि आपके पास एक अच्छा और वेल डिवेलप जो इकोसिस्टम है वो पाया जाता है, जिसके जियोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली फीचर्स हैं वो भी हैं, इसके अलावा उनमें स्पीशीज़ हैं वो भी अलाइव हैं उसमें, वो मेंटेन है, इसके अलावा अवेलेबल जो है यही इकोसिस्टम हमारे हम अवेलेबल करते हैं उसको साइंटिफिक रिसर्च के लिए, या फिर इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए, आप उसको इन्वायरमेंटली जो है वो मॉनिटर करके जो अपनी डाइवर्सिटी है, जो स्पीशीज़ हैं उनको मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने इसमें ये सारा देखना है, इनकी ये जो डेफिनेशन है एज एग्जैक्ट आपने इसकी वो लाजमी देखनी है। ये कैटेगरीज जो हैं ये आपकी डिफरेंट बताई गई हैं, कि कैटेगरी ए जो है या 1 है आपके पास, उसमें आपके पास स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व्स हैं, सेकंड पे आपके पास जो है वो वाइल्डनेस एरिया है, जो कि प्रोटेक्टेड एरिया जो मैनेज किया जाता है फॉर वाइल्डनेस प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। ये वाइल्डनेस प्रोटेक्शन के लिए जो है वो मोस्टली तौर पर मैनेज किया जाता है, और इसकी यहाँ पर आपके पास डेफिनेशन दी गई है कि हमारे पास वो लार्ज एरिया होता है जो कि मॉडिफाइड नहीं होता, या अगर मॉडिफाइड भी होगा तो स्लाइटली मॉडिफाइड होता है, और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो विदाउट हम परमानेंट या फिर हमारे पास जो सिग्निफिकेंट है हैबिटेशन है उसके अलावा हम रह सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास इसी रिजर्व में हमारे पास अदर जो स्पीशीज़ हैं वो प्रोटेक्टेड हैं, और प्रोटेक्टेड के साथ साथ हम उनको अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए जो है वो वाइल्डनेस एरिया में आ जाएगी, ठीक है।
बाज एरिया है वहाँ पे आप ओवरऑल बाकी के ह्यूमन एक्टिविटीज़ ह्यूमन देखते हैं तो आपको नज़र नहीं आते, उनकी जो नंबरिंग है स्ट्रेंथ है वो आपको कम नंबर आती है, कम नज़र आएगी। नेक्स्ट हमारे पास है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क जो है वो हमारे पास मोस्टली प्रोटेक्टेड एरिया होता है, ये मैनेजली किया जाता है इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग। अच्छा, इसमें मेन बात आपके लिए क्या है कि मेन बात इसमें आपके लिए है कि जो वाइल्डनेस एरिया है ये आपके लिए वाइल्डनेस के लिए यूज़ किया जाएगा, और इसके अलावा ये नेशनल पार्क है ये आपके इकोसिस्टम के लिए है मेनली, और ये जो आपके पास नेचर रिजर्व है ये आपके लिए साइंस के लिए है, ठीक है? तो आपने इसमें ये चीज़ मिक्स नहीं करनी। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि हैबिटेट आ जाती है, या फिर स्पीशी मैनेजमेंट एरिया, या फिर इसको आप ये भी कह देते हैं कि हैबिटेट मैनेजमेंट एरिया। बाकी के स्टूडेंट्स कहाँ हैं बच्चे? और लैंड का या सी का वो एरिया जो कि एक्टिवली जो है वो मैनेज करता है हमारी वहाँ पे रहने वाली जो स्पीशीज़ हैं उनको, इसके अलावा वहाँ की जो हैबिटेट है उनकी रिक्वायरमेंट्स को वो फुलफ़िल करता है, तो इसको आप हैबिटेट या फिर स्पीशी मैनेजमेंट एरिया का नाम देते हैं, ठीक है? नेक्स्ट इसमें हमारे पास है प्रोटेक्टेड लैंडस्केप या फिर प्रोटेक्टेड आप सी स्केप्स का भी नाम देते हैं। ये हमारे पास जो प्रोटेक्टेड एरिया होता है ये मेनली आप इसको लैंडस्केप के अकॉर्डिंग या फिर आपको सी स्केप है उसकी वहाँ पे जो रहने वाली आपके पास पॉपुलेशन है वो हमारे पास डाइवर्सिटी एनिमल्स की है, प्लांट्स की है, स्पीशीज़, और इसके अलावा हमारे पास या ह्यूमंस या अदर डाइवर्सिटी जो भी वहाँ पे हमारे पास पाई जाती है उसको मेंटेन रखना जो है वो हमारा इसी प्रोटेक्टेड लैंडस्केप में या सी स्केप में। अगर आप सी के अकॉर्डिंग करते हैं तो वहाँ पे सी स्केप एरिया आ जाएगा, अगर आप लैंड के अकॉर्डिंग करते हैं तो वो आपके पास लैंडस्केप एरिया आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे आपके पास ये जो प्रोटेक्टेड लैंडस्केप है लैंड के अकॉर्डिंग आपने उसके वो जो लैंड का एरिया वहाँ की जो कोस्ट है और सी है आपने उसको भी अप्रोप्रिएटली देखना होता है, वहाँ के पीपल की अट्रैक्शन है उनको भी देखना होता है, और नेचर के साथ जो डायरेक्ट कंटेक्ट है आपने वो भी देखना होता है। इसके अलावा वहाँ पे जो कल्चरल और इकोलॉजिकली वैल्यूज़ होती हैं वहाँ की, उनकी जो बायोलॉजिकली डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग उनकी वैल्यूज़ होती हैं वो भी आपने देखनी होती हैं, ठीक है? नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो लास्ट कैटेगरी है वो हमारे पास मैनेज रिसोर्स प्रोटेक्टेड एरिया है, ठीक है? ये मोस्टली तौर पे हमारे लिए रन करती है नेचुरली इकोसिस्टम में, और नेचुरली इकोसिस्टम में क्यों होती है ताकि उसकी सस्टेनेबिलिटी है उसको मेंटेन रखा जाए, ठीक है? वहाँ पे रहने वाली हमारी जो डाइवर्सिटी होती है उनकी जो कम्युनिटी और पॉपुलेशन की जो इंटरेक्शन होती हैं उनको सस्टेन किया जाए, और सस्टेन करके ये जो हमारा प्रोटेक्टेड एरिया है जो जिसको कि हमने अच्छे से मैनेज किया है इसको रन करते रहना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे आपके लिए बताया गया कि कैटेगरी वन से लेके आपके पास जो थर्ड है ये टर्म जो है ये अभी तक भी यूज़ की जा रही है। इसके अलावा 2003 में जो यूनाइटेड नेशंस ने एस्टिमेट किया था कि हमारे पास जितनी भी टाइप्स की प्रोटेक्टेड एरियाज थे और इसके अलावा जो टोटल एरिया था जो कि आपके पास राइज करता था वो हमारे पास है 34,036 जो एडिशनल साइट्स, और इसके अलावा जो एरिया है हमारे पास वो आपके पास यहाँ पे इतना एरिया जो है वो स्क्वायर किलोमीटर में आ जाता है, और लेकिन अब जो है ये आपके पास ड्यू टू उनकी कंजर्वेशन और सस्टेनेबिलिटी ना होने की वजह से इसकी जो अप्लाईज हैं अकॉर्डिंग टू ह्यूमन या अदर डाइवर्सिटी के वो डिक्रीज हो रही हैं, ठीक है? और ये जो डाटा है जनरली अप्लाई किया जाता है जो कि नेशनली गवर्नमेंट जो कि आपकी कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है वो अप्लाई करती है कि आपने इसको इस तरह से मेंटेन करना है, इसके लिए ये रेजरवायर्स बनाने हैं, आपने ये इसकी प्रोटेक्शन जो है ये नेशनली पार्क्स बनाने हैं उनमें ये प्रोहिबिशन रखनी है, आपने इसको चीज़ को अलाउ करना है, तो इसमें ये चीज़ देखी जाती है। और इसके साथ साथ आपके ये जो एरियाज़ हैं ये प्रोटेक्टेड किए जाते हैं गवर्नमेंट के ज़रिए से, स्टेट के ज़रिए से नहीं किए जाते। इसके अलावा ना ही इसको प्रोवेंसेस और जो आपके पास काउंटीज या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इसको वो मेंटेन भी कर सकती है, इसको जस्ट मेंटेन करने के लिए इसको जो अप्लाई किया जाता है वो आपको गवर्नमेंट जो है वो अप्लाई करती है, वो आपको रिस्ट्रिक्शंस करती है, उसके लिए आपको पाबंद करती है कि आपने इस चीज़ को जो है वो अलाउ करना है, ये एनिमल्स आपके पास है इसको मेंटेन रखना है, और इसकी मेंटेन के लिए जितना खर्चा पानी होगा वो गवर्नमेंट उठाती है, ठीक है? इसके अलावा जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो कभी भी दूसरे को अलाउ नहीं करती है। इसके अलावा हमारे पास प्रोवेंसेस लेवल पे अगर आप खुद से करना चाहें आप उसको मेंटेन कर सकते हैं, आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं आप उसको मेंटेन कर सकते हैं, आप उसको रन कर सकते हैं, तो आप उसको इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जो रिजर्वायर है उसकी सिलेक्शन है। बच्चे समझ आ रही है आपको? ये आपने जो इसके नेम्स हैं वो आपने इसमें लाजमी करना है, इसके अलावा नेम्स के अलावा यहाँ पे जो आपके पास डेफिनेशंस हैं वो डेफिनेशंस आपने लाजमी देखनी है,
ठीक है। और ये डेफिनेशन आपके पास ये होती है कि आपके पास एक प्रोटेक्टेड एरिया कौन सा होता है, आपके पास नेचुरल रिजर्व क्या है, मैनेजमेंट प्रोटेक्टेड लैंडस्केप या सीस्केप क्या है, तो वो आपको उसकी डेफिनेशन तब आएगी जब आपने उसकी की होगी, ठीक है। तो वो आपने उसकी डेफिनेशन सबकी लाजमी करनी है, उसको लीव नहीं करना। आई थिंक सब स्टूडेंट सो रहे हैं, आवाज़ नहीं आ रही मेरी, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। अच्छा नेक्स्ट, इसमें ये जो आपके पास रिज़र्व सिलेक्शन है इसको आप रहने दीजिएगा कि आपने जो रिज़र्व की सिलेक्शन है वो आप लोगों ने किस तरह से करनी है कि अकॉर्डिंग टू, आपने एक तो जो प्लेसेस होती हैं उनको देखना होता है, वहाँ की जो ओवरऑल जो इन्वायरमेंट होता है वहाँ का, यहाँ पे बीचेस का है, क्रेजिस का है, वहाँ पे जो फॉरेस्टेड एरियाज हैं, वो स्लोप्स हैं, वो आप लोगों को उस एरिया के अराउंड बताए गए हैं। इसके अलावा वहाँ पे यूजुअल डाइवर्सिटी कितनी है और अनयूजुअल डाइवर्सिटी कितनी है, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ कितनी है, वहाँ पे आपके पास फ्लोरा कितना है, फाना कितना है, वो आपके पास सारा जो इंक्लूड होता है वो रिज़र्व की सिलेक्शन के अकॉर्डिंग, वहाँ पे आपने उसी के अकॉर्डिंग जो है वो सिलेक्शन करनी होती है रिज़र्व की। जी मैम, बस इतनी देर बाद बच्चे रिस्पॉन्स। ठीक है, आपने वो एरियाज जो हैं वो लाजमी देखने हैं। नेक्स्ट इसमें आपके पास है हॉटस्पॉट एरियाज कौन से होते हैं, आपने कभी पढ़ा है कि हॉटस्पॉट एरियाज, हॉटस्पॉट के बारे में पढ़ा है बच्चा कभी आपने? चलें, ये मैंने आपको ये जो कैटेगरीज पढ़ाई हैं ये आपने देखनी है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको और बता देती हूँ कि आपने इसमें से कौन सा टॉपिक करना है, और जो आपने इसमें से करना है उसी को ही आप जो है वो कॉपी करवा लीजिएगा। अच्छा, ये जो रिजर्व्स की मैनेजमेंट है कि जो हमारे हमने प्रोटेक्टेड एरिया बनाया है, हमने उसको किस तरह से मेंटेन रखना है, इसमें सबसे पहले हमारे पास ह्यूमन विजिटर्स होते हैं, विजिटर्स में आपके पास टूरिज्म भी आ जाते हैं, ठीक है। और उसमें आपके पास फॉरेन कंट्री से भी आ जाएंगे, आपकी अपनी कंट्री के भी आ जाएंगे, ठीक है, आपने वो सारे इसमें इंक्लूड होंगे। और इसमें आपने ये देखना है कि मोस्टली जो रिज़र्व हैं आप उसको ओपन करते हैं। एक तो इसमें ये है कि जब आप ये रिज़र्व हमारे पास जितने भी ये प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं उनकी एक ड्यूरेशन होती है, उनकी ओपनिंग की और उनकी क्लोजिंग की। फॉर एग्जांपल कुछ अगर आप समर में, जैसे हम लोगों को समर वीकेशंस होती हैं, तो आप वहाँ पे भी देखते हैं कि वहाँ पे मोस्टली तौर पे जो हमारे पास जो है वो हॉलीडेज होने की वजह से हमारे पास अदर एरियाज जो हैं कंट्री के वो भी बंद होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी तो खैर कोरोना वायरस है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आपके पास टाइम गुजरे होंगे तो उसमें हमारे पास जो समर की 3 मंथ्स की आप लोगों को वीकेशंस होती हैं, तो उसमें ओवरऑल जो कंट्री होते हैं उनके जो स्कूल कॉलेजेस होते हैं वो क्लोज होते हैं। नेक्स्ट, इसमें आपने ह्यूमन विजिटर्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपने उसको जस्ट उसमें जो आपके पास फॉर एग्जांपल एक नेशनली पार्क है, तो आपने वहाँ पे उनकी जो रेस्ट की एबिलिटी है, रिफ्रेशमेंट है, आपने वो भी उनके लिए करनी होती है। वहाँ पे आप उसमें छोटी छोटी जो शॉप्स होते हैं वो ओपन करते हैं, और इसके अलावा आप उनकी कुछ कलेक्शन के लिए, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने वहाँ पे जिसको आप खूबसूरती के लिए कहते हैं कि उस एरिया की खूबसूरती के लिए, या वहाँ पे कोई चीज़ ऐसी पाई जाती है जो कि आप अदर कंट्री की जो अदर सिटीज़ होते हैं वहाँ से आपको नहीं अवेलेबल होती, ठीक है, तो वो आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। तो आपने इसमें ये चीज़ें भी देखनी होती हैं। नेक्स्ट, इसमें आपके पास जब वहाँ पे हमारे पास लार्ज नंबर होंगे पीपल्स के जो कि इंटरटेनिंग के लिए आएंगे, जो कि विज़िट करने के लिए आएंगे उस रिज़र्व को, तो उसका बेसिकली पर्पस क्या होगा कि उसके दौरान में हमारे पास जो रोड्स हैं उनकी भी प्रोलीफ्रेशन होगी, एयर पोल्यूशन है वो भी होगी, और इसके साथ जो सीवेज की डिस्पोजल है ज़ाहिर है जो रिफ्रेशमेंट आपको मिलेगी उसके साथ जो आपके पास रैपर्स होंगे वो वहीं पर ही डिस्पोज किए जाते हैं। इसके अलावा प्लांटेशन है, वहाँ पर अगर आपको कोई अच्छा फ्लावर नज़र आ जाता है तो आप उसको फौरी तोड़ने की जहमत कर लेते हैं। इसके अलावा सॉइल इरोजन, अगर वहाँ पे कोई भी नहीं जाएगा, हमारे पास जो प्रोटेक्टेड एरिया है वहाँ पे अगर कोई नहीं जाएगा तो वो जो सॉइल है वो बिल्कुल
फ्रेश और मेंटेन रहेगी, लेकिन अगर आप वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे आपने खूब खेल कूद भी करनी होती है, खेल कूद के साथ साथ वहाँ पे जो आपने वहाँ पे झूले हैं उनकी भी आप लोगों के पास अवेलेबिलिटी होती है, आपने वो लेनी होती है। और वहाँ पे जब एक फॉर एग्जांपल अगर एक डे रखा जाता है या कुछ डेज हैं वो रखे जाते हैं, फॉर एग्जांपल मंडे से फ्राइडे तक, या उसमें 2-3 डेज जो हैं वो अकॉर्डिंग टू फॉर एग्जांपल विंटर सीजन में ज़्यादा प्रेफर किया जाता है वहाँ पे इन एरियाज़ में जाने के लिए। अगर आप समर में देखते हैं तो गर्मी में कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता, ठीक है। तो बेसिकली जब आप उसे ड्यूरेशन में विंटर सीज़न है उसमें ना आपके पास ज़्यादा सर्दी है ना आपके पास ज़्यादा गर्मी है, आपके पास वो बिल्कुल जिसको आप वो पिंक मौसम कहते हैं वो आपके पास अवेलेबल है। तो आप उसमें जब जाएंगे तो आपको उसमें काफ़ी जो है वहाँ पे और भी लोगों का रश मिलेगा, सिर्फ आपके इंस्टीट्यूट के अलावा अदर इंस्टीट्यूट्स भी होंगे जिसकी वजह से वहाँ पे रश ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से सॉइल है उसका प्रॉब्लम होगा, इसके अलावा एयर पोल्यूशन है, इसके अलावा नॉइस पोल्यूशन है, और अदर हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं स्पेसिस होती हैं वो कम पड़ जाती हैं, ठीक है। और सबसे पहले इसमें हम ये देखते हैं कि पीपल की मैनेजमेंट है, पीपल की मैनेजमेंट के साथ साथ वहाँ पे जो अगर उसी रिज़र्व को अगर हम ओपनली जो है वो रूटीन के साथ जो है वो ना देखा जाए तो उसमें अगर हंटिंग होती रहेगी तो हमें पता नहीं चलेगा, उसके जो ट्रीज़ हैं वो कटिंग डाउन अगर कर दिए जाएंगे तो उसकी वजह से जो हमारी फॉरेस्टेशन है वो कम हो जाएगी, वो डीफॉरेस्टेशन की शेप अख्तियार कर जाएगी, ठीक है। तो हमने उसको डेली का डेली जो है वो उसको मेंटेन भी रखना होगा, उसको देखना भी होगा। इसके अलावा अगर हमारे पास मैरीन रिजर्वायर्स हैं तो उसमें हमने क्या देखना है, उसमें हमने मोस्टली तौर पे जो हमारी फ़िशेस की डाइवर्सिटी है उसमें हमने वो देखनी होती है। इसके अलावा हमारे पास मोलस्क आ जाते हैं, मोलस्क के अलावा हमारे पास अदर वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स आ जाते हैं जो कि हमारे पास इक्वेटिक इन्वायरमेंट पे रहते हैं, फ्रेश वाटर में भी और मैरीन में भी, ठीक है। तो इसमें हमने वो देखनी होती है। तो ये इसमें आप कुछ जो है वो बातें देख लीजिएगा। ऊपर हमारे पास ह्यूमन विजिटर्स में इसके अलावा नेचुरली डिस्टर्बेंसेस है कि अगर हरिकेन्स आ जाते हैं या फ्लड्स हैं या फिर इंसेक्ट की आउटब्रेक आ जाती है, जैसे हमारे पास कुछ मंथ्स पहले ही हमारे पास इंसेक्ट का आउटब्रेक हुआ था जिसके इन रिस्पॉन्स में जो है वो काफ़ी फील्ड जो है वो डिस्ट्रॉय हुई थी, आई थिंक आपको भी उसका पता होगा। और इसके अलावा हमारे पास अगर अर्थक्वेक आ जाता है उस एरिया में, वहाँ का जो प्रोटेक्टेड एरिया है वहाँ पर वो डैमेज हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास वो जो शेप होती है हमारे पास रिज़र्व की वो मेंटेन नहीं रहती, वो हमारे पास डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा जो कैटास्ट्रॉफ्स हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिसमें हमारे पास इमिडिएटली तौर पे जो है वो वर्क हो जाता है कि जिसको आप जो है वो बाय चांस कह देते हैं और एकदम से जो हो जाता है उसको आप कैटास्ट्रॉफ में लेते हैं, मैंने आपको बताया भी था, जिससे हमारा जो नेचुरल स्ट्रक्चरल है और साथ में जो इकोसिस्टम का फंक्शन है वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाता है। नेक्स्ट इसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास डिस्टर्बेंसेज आते हैं इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जो कि हम नेचुरल डिज़ास्टर्स में कहते हैं, जिसमें हमारे पास वॉल्केनिक एरप्शंस आ जाती हैं, इसके अलावा अर्थक्वेक आ जाते हैं, टोर्नेडोज आ जाते हैं या फिर हरिकेन्स आते हैं, इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि इसके आने की वजह से ही है कि जो आपका ओवरऑल सिस्टम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे आपकी डाइवर्सिटी है वो मेंटेन नहीं होती। फॉर एग्जांपल आपने जो मैनेजमेंट की थी सॉइल की, रिफ्रेशमेंट की, आपने कल्टीवेशन की, आपने फील्ड्स की, आपने एनिमल्स की डाइवर्सिटी की, तो वो आपकी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है, उसमें कोई आपके पास स्टेबिलिटी नहीं रहती। नेक्स्ट हमारे पास इसमें है वाटर गेम्स, ठीक है। वाटर गेम्स में क्या होता है कि ये जो रिज़र्व मैनेजर्स होते हैं ये मोस्टली हमारे पास जो वाटर होता है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है, या फिर ये कि जो हमारे पास टर्बिड वाटर होता है वही आप उसको प्लांटेशन को दे देते हैं, या फिर अदर वहाँ पे अक्सर आप एरियाज़ में जाते हैं तो आप अपना जो नेस्ले का वाटर होता है उसी को ही यूज़ करते हैं, इसके अलावा वहाँ पे जो है पाया जाने वाला वाटर उसको यूज़ नहीं करते हैं। कुछ सिटीज़ ऐसे हैं जहाँ पे वाटर जो है वो आपके पास क्लीन और क्लियर नहीं होता, ठीक है, वहाँ पे आपके पास जो वाटर है वो टर्बिड फॉर्म में होगा तो आप उसको जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे हमारे पास कुछ फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो वाटर की सप्लाई के लिए जो वहाँ पे हमारे पास जो प्लांटेशन है आपने उनको वाटर भी सप्लाई करना होता है, वो वाटर जो आप उसको सप्लाई करेंगे या फिर हमारे पास जो क्रॉप्स हैं या फिर हमारे पास प्लांटेशंस हैं ट्रीज़ हैं उनको आप वाटर सप्लाई करेंगे वो आप उसके टर्बाइंस के थ्रू करेंगे या उसको पाइपलाइंस के थ्रू जो आप मोटर्स के थ्रू जो आप उसको पाइपलाइन के ज़रिए से यूज़ करते हुए कर सकते हैं। इसके अलावा
जो टॉयलेट्स हैं उनकी फ्लशिंग के लिए भी आप वाटर ही यूज़ करते हैं, उसके लिए आपके वाटर का क्लीन या क्लियर होना जो है वो ज़रूरी नहीं होता, लेकिन आपके पास जो मेनली आपके पास एरिया है वो आपके पास क्लीन होना चाहिए। इसके अलावा आप वाटर जो है वो सॉइल जो एरिया होता है जो कि आपके पास एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए रनिंग के लिए आप उसको यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी आपने जो वाटर होता है उसको एक्सप्लोर करना होता है, ताकि जो सॉइल है वो अगर आने जाने वाले हमारे पास टूरिस्ट हैं तो वो उनके जो ड्रेसिंग है या फिर उन पे जो है वो बैडली इफेक्ट ना करें। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एक एग्जांपल दी है कि मैनेजर्स ऑफ एवरग्लेड्स नेशनली पार्क्स के जो हैं वो रीस्टोर करते हैं कि जो पार्क्स का जो नेचुरल जो वाटर होता है रिगेम उसको रीस्टोर कर लेते हैं, और इस तरह से ये जो फ्रेश वाटर होता है ये उसको सप्लाई करते हैं, जो हमारे पास उनका सेंट्रल फ्लोरा होता है ये उनको सप्लाई कर देते हैं पार्क के थ्रू। ठीक है, तो ये जो वाटर आपको आता है तो आप उसको स्टोर करके जो अदर आपके पास नियर अबाउट एरिया होता है आप उसको भी भेज सकते हैं, आप उनको भी दे सकते हैं, ताकि वहाँ पे वाटर की जो रिडक्शन है वो ना हो। और फॉर एग्जांपल जो आपके आसपास के एरिया है वहाँ पे वाटर की रिडक्शन है, तो वहाँ पे रहने वाली जो प्लांटेशन है वो सेम इस तरह से जैसे डेजर्ट्स की होती है वैसी शेप इख्तियार कर लेगी। ठीक है बच्चे, समझ आ रही है आप लोगों को? मुझे लगता है सो रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा हमने इन्वेसिव का, एग्जॉटिक्स का, और इसके अलावा ओवर अबंडेंट जो नेटिव्स हैं जो हमारे पास डिफरेंट आइलैंड पे पाए जाते हैं या फिर हमारे पास डिफरेंट जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वहाँ पे जो रहने वाला हमारे पास फ्लोरा और फाना है तो वो हमारे पास डिफरेंटली मौजूद होता है, उसको हम इसमें देखते हैं। पहले आप मुझे ये बताएं कि हमारे पास इन्वेसिव में और एग्जॉटिक में क्या डिफरेंस है, एग्जॉटिक स्पीशीज कौन सी होती हैं? यहाँ पे हमारे पास है कि जो हमारे पास मोस्टली रिजर्व्स हैं वहाँ पे हमारे पास जो एग्जॉटिक स्पीशीज़ होती हैं उनके लिए जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो गॉड्स होती हैं फॉर एग्जांपल गैलापागोस आइलैंड में या फिर हमारे पास एवरग्लेड्स में ब्राज़ीलियन पीपर्स हैं, और इसके अलावा रैट्स जो हमारे पास जो न्यूजीलैंड के एल्प्स हैं वहाँ पे पाए जाते हैं ये हमारे पास जस्ट थ्री आते हैं जो के मैनेजर जो हैं ये हमारे पास इन जो डाइवर्सिटी है इनको यहाँ से एलिमिनेट करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, और इनका बेसिकली क्या होता है कि ये यहाँ पे जो रहने वाली पॉपुलेशन है ये नेटिव होती है और वहाँ पे जो रहने वाली स्पीशी है ये उसको डिस्ट्रॉय कर रही है और वहाँ की जो डाइवर्सिटी है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली बाज़ दफ़ा हमारे पास, चले अगर आप मेरी बात जी, एग्जॉटिक मीन नॉन नेटिव के वो वहाँ की जो है वो रिहायशी नहीं होती, वहाँ के हैबिटेट में नहीं रहती, आप उसको बाहर के इन्वायरमेंट से इंट्रोड्यूस करते हैं और उसको इंट्रोड्यूस करवाने का बेसिकली पर्पस क्या होता है कि हमें उसका फ़ायदा हो। लेकिन अगर आप उसको ये देखते हैं कि अगर हमें उसका फ़ायदा नहीं होता तो उससे क्या है कि हमारी जो स्पीशीज़ होती है या हमारी अदर डाइवर्सिटी है वो कम हो रही होती है, या फिर उसमें जो डिज़ीज़ है अगर कोई जो हम न्यू स्पीशीज़ जो है वो एग्जॉटिक स्पीशीज़ जिसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें कोई डिज़ीज़ आ जाती है तो उसकी वजह से भी हमारी जो अदर डाइवर्सिटी है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास अदर भी स्मॉल रेजर्वायर्स ऐसे हैं कि जो कि हमारे पास लार्ज नंबर जो हर्बीवोरस मैमल्स है जिसमें हमारे पास डियर हैं, और इसके अलावा लार्ज हमारे पास कार्निवोरस एनिमल्स हैं जिसमें हमारे पास वरेक हॉविक है, और इनका बेसिकली पर्पस क्या होता है कि जो फ्लोरा होता है ये उन पे डिपेंड करते हैं और उनको ये ईट कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे पास डिस्ट्रक्शन होती है हमारी डाइवर्सिटी की, हमारे फ्लोरा की, हमारे फाना की, क्योंकि उसकी बाइस का सबब बनते हैं जी। जो हमारे पास फॉरन से हम इंट्रोड्यूस करते हैं, इसके अलावा हमारे पास इंट्रोड्यूस स्पीशीज़ होती हैं। गुड, चलें शुक्र है, मुझे भी थोड़ी दिल को तसल्ली हुई है कि आप लोगों को भी कंजर्वेशन समझ आ रही है। ठीक है, ये इसमें थोड़ी बहुत इसकी एग्जांपल देख लेनी है, बाकी ये केस स्टडी नहीं कर रही, और इसके बाद है आप लोगों का ये क्या है नेक्स्ट, इसमें आप लोगों की है मैनेजिंग इकोसिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट वहाँ पे हमारे पास प्रोटेक्टिंग था कि हमने प्रोटेक्ट किस तरह से करना था इकोसिस्टम, यहाँ पे हमने मैनेज इकोसिस्टम किस तरह से करना है। आपकी क्लास के जस्ट 30 स्टूडेंट्स ही आते हैं, बाकी की क्लास के स्टूडेंट्स कहाँ गायब हो जाते हैं?
ठीक है, मैनेजिंग के लिए आपने यहाँ बताया गई है कि आपके एक तो डिफरेंट, एक तो आप जो इकोसिस्टम है फॉर एग्जांपल अगर वो रन नहीं कर रहा है तो आप उसमें मॉडिफिकेशन करके उसमें आप स्पीशीज जो है या उसकी जो खूबसूरती है उसको मेंटेन करके आप उसमें फॉरेस्ट हैं या फिशरीज हैं या उसमें जो मैनेजर्स हैं उनको इंक्रीज कर सकते हैं, और इससे यह है कि जो आपकी ओवरऑल जो इकोसिस्टम है उसमें वैरायटी आ जाएगी। जाहिर है जब आपके पास लोग करने के लिए काम ज़्यादा होंगे तो आपका जो सिस्टम है वो वेल डिवेलप होता जाएगा। ठीक है, तो आप एक ये आप लोगों के पास लाइन लिखी हुई है कि आप इसमें स्पेशली जो फॉरेस्टर्स होते हैं उसको ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा जो रेंज मैनेजर्स होते हैं उनको, फिशरीज मैनेजर्स होते हैं उनको, तो इससे ये है कि आपके पास जो लाइव स्टॉक है, वुड है, फिशीज़ हैं, आप उनको भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो आपका सिस्टम है वो मॉडिफाई हो जाता है। फॉर एग्जांपल एक आपके पास आप एक इकोसिस्टम में रहते हैं और उसमें आपके पास फिशेज नहीं है या आपके पास, तो आप उसमें स्पीशीज जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपने उसको सबसे पहले चेक करना है कि उसमें कोई प्रॉब्लम या कोई डिजीज़ तो नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है फॉरेस्ट्री, तो फॉरेस्ट्री में बेसिकली आपके पास क्या है कि फॉरेस्ट आपके पास जो कवर करते हैं अर्थ का एरिया वो लेस देन 6% है। ठीक है, और इसी लेस देन 6% में से जो हमारे पास फॉरेस्ट हैबिटेट है वो मेजॉरिटी हमारे पास हैबिटेट है हमारे पास जितनी भी स्पीशीज़ हैं उनकी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप बर्ड्स को देख लें, आप इसके अलावा जो इंसेक्ट्स हैं आप उनको देख लें, इसके अलावा हमारे पास जो अदर एनिमल्स हैं जिसमें हमारे पास ज़ेब्राज आ जाते हैं या फिर अदर हमारी डाइवर्सिटी है जिसमें हमारे पास फ्लोरा भी आ जाता है, जिसमें हमारे पास फाना भी है, वो सारा वहाँ पर इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो आप इसको ये जो फॉरेस्ट्री एरिया है आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करें। जैसे आप लोगों से कलेक्शन भी ली गई है आपसे प्लांटेशन की, अगर वही प्लांट अगर आप उसको गमले में रखते हैं तो वो जस्ट खूबसूरती में इजाफा करेगा, वो इतना ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, लेकिन अगर वही प्लांट अगर आप उसको ज़मीन में ग्रो करते हैं तो उसके इन रिस्पॉन्स में वो एक दिन जो है जब आप बूढ़े होंगे तो वो बेचारा दरख्त बन जाएगा। ठीक है, कभी ज़िंदगी में अपने बच्चों को अगर एडमिशन दिलाने आएंगे तो उससे यह है कि जब आप उसको देखेंगे तो आप उस चीज़ को याद करेंगे, जब आपके वहाँ पे अपना नेम और अपना एजी आपने अपना लिखा होगा तो आप उसको ज़िंदगी में याद करेंगे अच्छे मौक़ों के तौर पे। बाकी आप ये देखते हैं कि प्लांट अगर आपने लगाना है तो आपने उसमें सबसे पहले ये देखना होता है कि ये जो बाकी की जो हमारे पास फ्लोरा है उनको डिस्टर्ब ना करें, उनकी लाइफ को डिस्टर्ब ना करें, उनकी फूड की जो एबिलिटी है, फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर है जो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इनटेक करते हैं, आप उस प्लांट्स को मोस्टली ग्रो नहीं करते। ठीक है, क्योंकि इतना किसी के पास टाइम नहीं होता कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी दे सके। हाँ, आप उसका ड्यूरेशन है फॉर एग्जांपल उसको मॉर्निंग टाइम में, उसको इवनिंग टाइम में या जब आपकी क्लासेस ख़त्म होती हैं या स्टार्ट होती हैं तब आप उसको जो है वो वाटर दें। ठीक है, तो इस तरह से आप ये जो प्लांटेशन है, तो ये जो इमरान खान ने कही है कि आप ग्रीनरी को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन पाकिस्तान, तो उसका बेसिकली यही पर्पज़ है कि जितनी ज़्यादा आप ग्रीनरी इंक्रीज़ करेंगे उतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी इंक्रीज़ होगी, डाइवर्सिटी इंक्रीज़ होगी आपके पास जो है वो डिफरेंट एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो आप लोगों के पास ग्रो करेंगी, आपके पास हर तरह की वैरायटी आएगी। और जो आपकी फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूट है, आपकी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे एक तरह का अगर पौधा पाया जाता है आपको पता है कि ये इस तरह का है, तो आपको नेक्स्ट यहाँ पे इस तरह का पौधा लेके आना चाहिए, तो आप उसको उस तरह का इंट्रोड्यूस करें। जी, बेचारा दरख्त कुछ भी नहीं कहता, वहाँ पे रहने वाले लोग, आपने भी अक्सर देखा होगा कि जो यूनिवर्सिटी में आपके पास दरख्त हैं आप लोगों के लगे हुए हैं इंस्टीट्यूट में, जो हॉस्टल वाली साइड पे साइड कैंपस में रहते हैं, तो वहाँ पे आप लोग क्या करते हैं कि जैसे धूप होती है या आप लोगों से मेंटेन नहीं होता, आप वहाँ पे कुछ टाइम के लिए स्टे करते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपके बेंचेस भी लगे हुए होते हैं, वहाँ पे आप बैठते हैं, वहाँ पे घास पे आप लोग बैठते हैं, अपना टाइम इंजॉय करते हैं। ठीक है, तो ये जब आप लोग लगाएंगे तो जाहिर है कोई आपको भी दुआ देगा, तो हमेशा अच्छे काम में हिस्सा लिया करें और इंशाल्लाह इस जब अच्छा सोचेंगे किसी के लिए तो इंशाल्लाह आपके लिए अच्छा होगा। आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, अगर आपकी नीयत अच्छी है, अगर आपका काम गलत भी हो जाता है तो वो आपकी अच्छी नीयत ही काउंट होगी। लेकिन अगर आप क्या करते हैं कि आपकी नीयत अच्छी नहीं है लेकिन बाय चांस अगर आपका काम अच्छा हो जाता है तो उसमें आपकी नीयत जो है वो आपकी बुरी ही काउंट होगी अगर आपका अच्छी भी वर्क हो जाए। ठीक है, बच्चे ये बुक आपके पास अवेलेबल है, ये उसी बुक के ही पेजेस हैं, ये आप लोगों का चैप्टर 11 चल रहा है,
बच्चे जब ड्यूरिंग आप लोगों की क्लासेस होती है ना, तब यही कहते होते हैं कि ज़िंदगी में अब यहाँ से जान छूट जाए फिर दोबारा कभी कैंपस का मुंह नहीं देखना, ठीक है। लेकिन जब टाइम गुजर जाता है ना, फिर वो दिल ये कह रहा होता है कि एक दफ़ा दोबारा से वो टाइम आ जाए, उसी में ही दोबारा हम इसी में ही दोबारा एडमिशन ले लें, काश एक दफ़ा वो टाइम वापस आ जाए। आपने एक चीज़ बात सुनी होगी कि जब आपके पास कोई चीज़ अवेलेबल हो तो आपको उसकी कदर नहीं होती, लेकिन जब आपके पास वो चीज़ नहीं रहती तब आपको उसकी कदर होती है। चाहे वो आपके पास इंसान हो, चाहे वो आपके पास रिश्ते हों, चाहे वो आपके पास चीज़ें हों, चाहे वो आपके पास डिग्रीज़ हों, या आप लोगों की ये जो बॉन्डिंग है, आप लोगों की कलेबोरेशन है, ये हो, आप लोग अच्छी और बुरी बातें हैं वो भी आप लोगों को फिर याद आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है, इसमें आपने एज जो स्ट्रक्चर होता है इसमें आपने वो भी देखना होता है। जी अहमद, ये आपको बच्चे ग्रुप में शेयर कर दिए हैं आपने, जो आप लोगों के पास बुक है ये उसी बुक का, जो आपके पास 270 पेज है, आप लोगों का चैप्टर 11, ठीक है, वहाँ पे आपने ये देखना है। चलें, ज़िंदगी रही तो फिर आपसे पूछूंगी कि दिल करता है या नहीं करता, ये सारी कहने की बातें होती हैं, ठीक है। जिससे आप रहते हैं तब आपको बहुत बुरा लगता है, लेकिन जब आप उसको छोड़ के चले जाते हैं फिर आपको उसकी कदर होती है। और ये बात श्योर है, आपको कभी ना कभी टाइम है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद, कभी ना कभी रियलाइज़ होगा। चलें खैर, इस बात को लीव इट करें। नेक्स्ट, इसमें ये आपने इनके जो पैटर्न्स हैं, फॉर एग्जांपल आपकी जो ट्रीज़ हैं उनकी आप करना चाहते हैं, उसको आपने ग्रो करना है, तो आपने उसकी कैनोपी देखनी होती है, उसकी एरियाज़ है वो देखने होते हैं, तो क्या कि आपने उसको किस तरह से ग्रो करना है। ये नहीं कि रैंडमली जहाँ दिल किया उठा के पौधा लगा दिया। आपने अक्सर देखा भी होगा कि जो क्रॉप्स होती हैं, एक तो उनका डिस्टेंस मेंटेन रखा जाता है, डिस्टेंस मेंटेन रखने के साथ साथ उनकी जो रो है, फॉर एग्जांपल एक उनकी रो बनाई जाती है, उनका कॉलम बनाया जाता है, उनकी जो नंबरिंग है वो सेम रखी जाती है, जैसे एक आप लाइनों में करते हैं, ठीक है, पैरेलल में। तो वो इसलिए करते हैं ताकि अगर ये जो ट्री होता है जिसको आप छोटा प्लांट बनाते हैं, अगर ये दरख्त भी बन जाए तो ये एक्सटेंशन भी होते हैं, इन पर काफ़ी सारे जो है वो पत्ते भी लग जाते हैं, तो उसके बाद भी यहाँ से गुजरने का रास्ता जो है वो ईजीली मिल जाए। जी बच्चे, आपको उसकी इथोलॉजी की भी शेयर कर दूंगी, आप लोगों को इसकी भी शेयर कर दूंगी, ये तो आप लोगों के पास ऑलरेडी अवेलेबल है। हाँ, ये मैसेज करके जो डिलीट करते हैं ये ना समझा करें कि मैं हमने देखा नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे ये इसकी जो स्पेशल पैटर्न्स हैं उनके तरीकाकार बताया गया कि आपने उसके डिस्टेंस है उनको मेंटेन रखना है, और जो बाकी की जो आपने उसकी कंपोजिशन है, फॉर एग्जांपल जैसे आप कोरोना में एक पेशेंट या फिर आप एक दूसरे से दूर रहते हैं तो आपने कितना डिस्टेंस मेंटेन करना होता है, सेम इसी तरह से जो हमारे पास ट्रीज़ हैं उनका डिस्टेंस मेंटेन रखा जाता है। और उसके साथ साथ आपने अक्सर देखा होगा कि उनके ऊपर शॉपर्स हैं वो भी किए जाते हैं, ताकि एक तो उस पर किसी का अटैक ना हो, या अगर स्प्रे की जाती है या फिर उसकी अपनी निशानी के तौर पर कि इस प्लांट ये वाला ये प्लांट है और उसको बेसिकली इस पर्पज़ के लिए हमने इसको जो है वो कवर किया था, और दूसरा जो है नेक्स्ट इसमें ये ग्रेजर्स का तो बेसिकली वर्क ही ये होता है कि आपने जो जितने भी एनिमल्स होते हैं उन्होंने अपनी फूड के लिए, अपनी फीडिंग हैबिट्स के लिए डिपेंड करना होता है इन्हीं ग्रेजर्स पे, ठीक है। उनके अलावा अगर फॉर एग्जांपल जो स्मॉल हमारे पास एनिमल्स आ जाते हैं तो ये उन पर डिपेंड नहीं करते, ठीक है। स्मॉल एनिमल्स ने फॉर एग्जांपल एक ट्री है आपके पास, इन लार्ज है तो वहाँ तक इनकी जो नेक है, इनकी जो माउथ होता है एरिया, वो पहुँच नहीं सकता, ठीक है। तो सेकंड इसमें ये है कि आपने एक वो थ्योरी ऑफ नेचुरली सिलेक्शन के यूजेस एंड डिस यूजेस वो भी पढ़ा होगा कि जितना ज़्यादा आप चीज़ को यूज़ करेंगे तो वो उतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, जितना यूज़ नहीं करेंगे वो टाइम के साथ डीजनरेट हो जाती है, ठीक है। तो सेम इसी तरह से होती है, आपने वो भी देखा होगा कि एग्जांपल में कि जो हमारे पास जराफ़ास थे उसमें जो उनकी जो नेक थी हमारे पास वो लॉन्ग हो जाती थी, क्योंकि जो उन्होंने वेजिटेशन थी वो ट्रीज थी वो उन्होंने हायर एरिया से जो है वो कलेक्शन करनी होती थी। बच्चे इतना ज़्यादा काम पड़ लिया है,
इसमें से इतना तो मैंने आपको लीव करवा दिया, इसमें से जो मेन बात थी वो मैंने बच्चे आपको पढ़ाई है। चलें इसको यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं। इसको आपने मुझे ये बताना है कि हमारे पास की स्टोन स्पीशीज कौन सी होती हैं। ये इस तरह अगर पढ़ते रहेंगे तो फिर हमारा कोर्स कैसे कवर होगा? की स्टोन हमारे पास जो की स्टोन स्पीशीज होती हैं बेसिकली वो क्यों होती हैं और इसका पर्पस क्या होता है, ये आप बताएं। इसको यहीं पे ही ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें इंशाल्लाह हम ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा एक्टिव रिजर्व्स आ जाते हैं, जैसे हमने सारे रिजर्व्स हैं वो पढ़े हैं, एक्स्ट्रा एक्टिव पढ़ेंगे। इसके अलावा जो इकोलॉजिकली हमारे पास मैनेजमेंट आ जाती है इसकी, वो देखेंगे। चलें ये अलमास निसार बताएंगी कि हमारे पास की स्टोन स्पीशीज़ कौन सी होते हैं। बच्चे इसमें मैंने आपको इतना डाटा इसमें से स्किप करवा दिया, मैंने कौन सा ये आपको सारे पेजेस पढ़ाए हैं। एक सेकेंड, वो इतने सारे पेजेस को वो ऊपर नीचे देखे ना, वो क्या समझते हैं कि भाई पता नहीं हमने कितना पढ़ लिया है। अच्छा, वो हेल्प करते हैं इकोसिस्टम को डिफाइन करने के लिए बच्चे। चलें इसमें ये बात लास्ट टाइम सुन लें, जिन स्टूडेंट्स ने ली है क्लास उनको पता है, बाकी जो बीच में से आके चले जाते हैं, भाग जाते हैं या रुक जाते हैं 2 मिनट के लिए, इसमें से ये जो आपके पास है चैप्टर नंबर 11, ठीक है, इसमें आपके पास पार्ट 3 है मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी। इसमें आपके पास है चैप्टर 11 प्रोटेक्टिंग इकोसिस्टम्स, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक आपने ये कैटेगरीज करनी है टेबल 11.1, जिसमें आपके पास प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनके नेम्स और उनकी डेफिनेशन बताई गई है। ये इसमें ये जो एरियाज है ये आप लोगों ने, ये कितने यूनिट्स कवर करता है ये आपने नहीं करना, ठीक है। इसके अलावा ये जो आपके पास रिज़र्व सिलेक्शन है ये आपने देख लेनी है कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं। इसके आपके पास पहली 4-5 लाइनें हैं वो आप लोगों की बनती हैं, और आपके पास ये एग्जांपल है यूनाइटेड किंगडम की, ये आप इसमें एक देख लेनी है। बाकी जो आपके पास है डाटा उसको नहीं कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है रिज़र्व डिज़ाइन भी आपने नहीं करना। नेक्स्ट इसमें आपने करना है ये है रिज़र्व मैनेजमेंट, ठीक है। रिज़र्व मैनेजमेंट में आपने करना है कि ह्यूमन विजिटर्स हैं, ह्यूमन विजिटर करना है कि, और उसके अलावा नेचुरल डिस्टर्बेंसेस ह्यूमन विजिटर्स में कि आपके ने उनके लिए किस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। इसके अलावा नेचुरल डिस्टर्बेंसेस में आपके पास फ्लड आ जाता है या आउटब्रेक्स आ जाते हैं या अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, और इसके अलावा आपके पास ये वाटर रिगेम्स हैं उनके बारे में बताया गया कि वाटर ने आपको किस तरह से मेंटेन करना है, ठीक है। और एट द एंड ये आपने केस स्टडी नहीं करनी, और ये आपके पास है मैनेजिंग इकोसिस्टम चैप्टर 12। चैप्टर 12 में से आपने जो इकोसिस्टम की मैनेजमेंट के लिए आपने उसको इकोसिस्टम को मॉडिफाई करना है, उसमें मैनेजर्स हैं उनको इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा जो डाइवर्सिटी है आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं, फॉरेस्ट्री है उसको आप इंक्रीज करेंगे तो उससे डाइवर्सिटी जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा ये जो एज स्ट्रक्चर है इसको आप रहने दें, और इसके बाद आप लोगों को मैंने अभी नहीं करवाया, वो इसी से ही आप लोग, ये ग्रेजिंग पैटर्न है कि नेचुरली ग्रेजिंग पैटर्न है उसको देख लीजिएगा, जिसमें आप ट्री की लोकेशन है उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है ये जो एक्स्ट्रा एक्टिव रिजर्व हैं, ये इंशाल्लाह हम अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और साथ इकोलॉजिकल मैनेजमेंट। जी, की स्टोन स्पीशीज जो है वो एरिया में अबंडेंट होती है, इसके अलावा वो दूसरी स्पीशीज को कंट्रोल करती है।
लार्ज इफेक्ट ऑन इको सिस्टम ऑर्गेनिज्म दैट होल्ड सिस्टम टुगेदर। बच्चे इसमें एक तो ये है कि हमारे पास अबंडेंट स्पीशी होती है, नंबर इसका ज़्यादा होता है, आप इसको डोमिनेंट में भी ले सकते हैं। इसके अलावा ये है कि इसको डोमिनेंट में या कीस्टोन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका ओवरऑल जो हमारी वहाँ पे स्पीशीज़ होती हैं एक इकोसिस्टम में ये उन पर कंट्रोल करती है, तो इसलिए हम इनको ये कहते हैं कि ये हमारे पास कीस्टोन स्पीशी हैं। ठीक है, कि मेन रोल जो है वो इनका होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम एक्सट्रैक्टिव और इकोलॉजिकल मैनेजमेंट पढ़ेंगे। बाकी जो बॉयज़ हैं जिनकी प्रेजेंटेशन रहती है वो अपनी रेडी हो जाएं। आप लोगों की प्रेजेंटेशन अभी जस्ट 30 मिनट्स हैं तो उसमें आपकी प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। इसके बाद 10:40 पे आप लोगों की आई थिंक मैम सुद्रा के साथ क्लास है। जी पढ़ने वाले बच्चे हैं सारे, तभी आपसे एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया गया है। बाकी ये कहते हैं कि मैम काफ़ी ज़्यादा हो गया, कुछ टॉपिक स्किप कर दें। इसमें से आपने बच्चे पढ़ाई किया, आपने इसमें से जो मेन मेन बातें थी मैंने आपको वही पढ़ाई हैं। ठीक है, जो मैंने मेन थी वो मैंने आपको इसमें से बता दी है। एक इसमें मैनेजमेंट है जिसमें ह्यूमन विजिटर्स आ जाते हैं, मॉडिफाइड इकोसिस्टम आ जाता है। इसके अलावा जो कैटेगरीज आप लोगों को पढ़ाई गई हैं वो आपने बतानी है। बाकी आप लोगों का जब रिज़ल्ट आएगा फिर देखेंगे कि पढ़ने वाले बच्चे क्या करते हैं। ठीक है बॉयज़, अपनी प्रेजेंटेशन रेडी रखें, मैं आप लोगों को लिंक शेयर करती हूँ, तो आप लोगों ने ज्वाइन करके अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो टाइम के साथ साथ देते जाएँ और उसके बाद फिर आप लोगों की छुट्टी है। अच्छा इस तरह से करें कि आप लोग जो आप लोगों का टेस्ट है उसको आप रात 9 बजे ही करना है या आप 2-3 बजे करना है। मैं कह रही थी कि आप लोग 3 बजे कर लें जो आप लोगों का मॉक टेस्ट है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? तो यह है कि आप तसल्ली के साथ जुमा भी पढ़ लेंगे, उसमें आपका जस्ट आपने करना तो कुछ नहीं, उसमें आपने जस्ट ये देखना है कि गूगल फॉर्म आपका जो इजीली है वो ओपनली हो जाता है या नहीं। अदरवाइज़ फिर अगर 3 बजे नहीं कर सकते तो उसको 9 बजे ही फिर कर लें। जी बच्चे अटेंडेंस का, आप अटेंडेंस की भी बात, अटेंडेंस पे भी आ जाते हैं, तमाम स्टूडेंट्स कर लें अपनी अटेंडेंस मार्क अपने नेम और अपने एजी के साथ एक ही मैसेज में। जी 3 बजे कर लें, तब तक आप सब जो है जुमा भी पढ़ लेंगे, जिन्होंने सलाती तस्बीह पढ़नी होगी वो भी पढ़ लेंगे और फ्री हो जाएंगे, तो 3 बजे इसका टेस्ट ले लेंगे। किसी भी स्टूडेंट का इश्यू हो आप लोगों का गूगल फॉर्म में तो जस्ट उस स्टूडेंट ने ग्रुप में मैसेज करना है, आपने अपने स्क्रीनशॉट के साथ मैसेज करना है। इसके अलावा क्लास में किसी और स्टूडेंट ने मैसेज नहीं करना। जिसका हो गया ठीक है और जिसका नहीं हुआ जस्ट वो स्टूडेंट मैसेज करेगा। ग्रुप में आप लोगों ने शोर नहीं मचाना। तमाम स्टूडेंट्स अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। बच्चे जो आप लोगों का मॉक टेस्ट है ना उसको 3 बजे कर लें। चलें इस तरह से करें, गर्ल्स जो हैं वो 3 बजे दे दें, जो बॉयज़ हैं वो 9 बजे दे दें। ठीक है इस तरह कर लें। चलें सब स्टूडेंट की होगी अटेंडेंस या कोई स्टूडेंट की रह गई है? सब स्टूडेंट्स अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें ताकि मैं उनके एसएस लेके अपने पास सेव कर लूं, उसके बाद क्लास लीव कर रहे हैं और स्टूडेंट्स की जो प्रेजेंटेशन है उसको स्टार्ट करते हैं।
ओके 3 बजे कर लें, बॉयज़ की भी और गर्ल्स की भी। 3 बजे आप रेडी रहिएगा, और आफ्टर आप लोगों के 5-10 मिनट बाद जो है वो आप लोगों का लिंक एक्सपायर हो जाएगा, तो तभी सब स्टूडेंट्स ने 3 बजे ही ज्वाइन करनी है, ठीक है? ओके, अटेंडेंस होगी है बच्चे सब स्टूडेंट्स की, किसी की रह तो नहीं गई? जो आप लोगों के सिलेबस के कंटेंट हैं वो मैं आप लोगों को लिख के शेयर कर देती हूँ ग्रुप में। आप लोगों के जो सिलेबस के कंटेंट हैं वो चेंज नहीं होंगे बच्चे। आप लोगों को 3 बजे भी और 9 बजे भी शेयर कर दिया जाएगा। जिसने 3 बजे देना हो वो 3 बजे दे दे, जिसने 9 बजे देना हो वो 9 बजे दे दे, लेकिन ये आप लोगों के लिए फर्स्ट और लास्ट टाइम है, ठीक है? एक्चुअली ये है कि आप लोगों का मॉक टेस्ट है, तो उसमें आप लोगों के लिए ज़्यादा कोई इशू नहीं होगा। आप लोग डे टाइम में भी कर सकते हैं, बाकी किसी भी स्टूडेंट का अगर कोई इशू है आप लोग 9 बजे भी दे सकते हैं, 3 बजे भी दे सकते हैं, आपके पास दोनों टाइम जो है वो लिंक अवेलेबल होगा, ठीक है? जिन स्टूडेंट्स ने 9 बजे देना है वो 9 बजे दे दे, जिसने 3 बजे देना है वो 3 बजे दे दे, ठीक है? बच्चे आपको दोनों टाइम में शेयर कर दिया जाएगा, 3 बजे भी और 9 बजे भी, ठीक है? आपने जिन स्टूडेंट्स ने 9 बजे देना है वो 9 बजे दे दें, जिन स्टूडेंट्स ने 3 बजे देना है वो 3 बजे दे दें, क्योंकि आपकी क्लास के कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने डे टाइम में देना है, ठीक है? ज़ाहिर है उनके भी कोई अपने जेन्युइन इश्यूज़ होंगे, उनका चले नेट का नहीं होता, बाकी और भी बहुत से मसले होते हैं। और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं आप लोगों को पेपर के लिए इतनी रिलैक्सेशन दे दी गई कि आपने 9 बजे देना है। ओके, अल्लाह हाफिज़। और बॉयज़ अपनी रेडी कर लें, आप लोगों को मैं जूम का लिंक शेयर करती हूँ, तो उससे आपने ज्वाइन करना है। अल्लाह हाफिज़ बच्चे।